आसमान से बरस रही आफत की आगे इन दिनों इंसान बेबस और लाचार महसूस कर रहा है। तस्वीरें बता रही हैं कि आधे हिंदुस्तान में बारिश से हालात बद से बदतर हो चले हैं, जिंदगी ठहर सी गई है। बादलों का क्रोध इंसानी बस्ती में कहर बनकर टूट रहा है। बारिश सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। देश भर के अलग अलग राज्यों से सामने आई ये तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे बारिश के प्रचंड प्रहार से आधा हिंदुस्तान त्राहिमाम कर रहा। चंद दिनों पहले तक भयंकर गर्मी और सूखे की मार झेल रहा देश अब कुदरत के क्रोध के आगे बेबस और लाचार है। उत्तराखंड से लेकर बंगाल तक हो रही बारिश ने सिर्फ और सिर्फ बर्बादी के ही निशान छोड़े हैं। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड और हिमाचल में बारिश तबाही मचा रही। लैंडस्लाइड और बरसाती नालों ने विकराल रूप ले लिया है। गढ़वाल मंडल में भारी बारिश की आशंका को देखते हुए चार धाम यात्रा फिलहाल रोक दी गई है। तस्वीरें अल्मोड़ा के भतरौज खान इलाके की हैं, जहां देखते ही देखते रानीखेत रामनगर को जोड़ने वाला पुल बरसाती नाले की भेंट चढ़ गया। हल्द्वानी में बीते तीन दिन से हो रही बारिश से हालात खराब हो चुके हैं। गोला नदी उफान पर है। लालकुआं के पास एक कार पानी में बह गई, जिसे बमुश्किल लोगों ने बाहर निकाला। ट्रेन की पटरियां पूरी तरह पानी में डूब चुकी हैं, जिससे रेल यातायात फिलहाल ठप पड़ा है। पड़ोसी राज्य हिमाचल में भी बारिश से लोग हलकान हैं। बीते साल बारिश ने पूरे प्रदेश में ऐसा कोहराम मचाया था जिसकी तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी थी। मंडी में लगातार हो रही बारिश से व्यास नदी का जलस्तर बढ़ गया है। लोगों को नदी किनारे नहीं जाने की हिदायत दी गई है। यूपी के श्रावस्ती में राप्ती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही। निचले इलाकों में रह रहे लोगों के घरों में पानी भर चुका है। कई दर्जन गांव ऐसे हैं जो टापू बन गए हैं। मुरादाबाद में राम गंगा नदी ने किसानों की कई एकड़ फसल को अपने आगोश में ले लिया। किसान लाचार हैं, प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। हम इस वक्त मुरादाबाद में हैं और ये मुरादाबाद की राम गंगा नदी है, जिसमें पूरा जल स्तर जो है भरा हुआ है और बढ़ता ही चला जा रहा है। और आसपास के जो लोग हैं किसान, उनको खासी परेशानी हो रही है। अपने पशुओं के लिए चारा लाने के लिए कश्ती का सहारा लेना पड़ रहा है। यहाँ कुछ किसान हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। अम्मा, क्या नाम है आपका? राम प्यारी। क्या ला रही हैं इसमें छपड़े में, सब्जी? हाँ, सब्जी है। अच्छा, कितनी परेशानी हो रही है बरसात की वजह से? बहुत परेशानी है। तमाम मेरे चीज गारा, मेरे तमाम खूब वो भी लगा शीशे उसे तमाम। और आप बताइए, चारा ला रहे हैं पशुओं के लिए, कितनी परेशानी होती है? बहुत ज्यादा परेशानी होती है। नहीं लाए तो साहब खर्चे से तरस रहे हैं। तमाम बिच्छू कीड़ों का डर है पार में। तो जान का भी खतरा लगा रहता होगा जब इतना बाढ़ का पानी जो है नदी में आया। जान का भी खतरा लगा रहता है। पानी कहीं पे ज्यादा है, कहीं पे कम है। पीलीभीत में तो भारी बारिश में रेलवे ट्रैक की पुलिया ही पानी में बह गई। प्रमुख मार्गों से पीलीभीत का संपर्क कट चुका है। बिहार का शोक कहे जाने वाली कोसी नदी भी खतरे के निशान पर बह रही है। शनिवार को कोसी बैराज से 3 लाख से ज्यादा क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, जिससे नदी का जल स्तर रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया है और आसपास के इलाकों में खतरा मंडराने लगा है। क्या पहाड़, क्या मैदान, फिलहाल सब इस सैलाब के आगे बेबस हैं। कुदरत के क्रोध से राहत कब और कैसे मिलेगी, इस पर मौसम विभाग भी साफ साफ कुछ नहीं कह पा रहा, क्योंकि मॉनसून की ये बस अभी शुरुआत भर है।